गुजरात विधानसभा चुनाव में दो चरणों में वोटिंग होगी। पहले चरण के लिए 1 दिसंबर को वोटिंग जो है होगी और सूबे के सौराष्ट्र इलाके में पहले चरण में वोटिंग होगी और सौराष्ट्र में कांग्रेस पिछले चुनाव का रिकॉर्ड दोहराने की कोशिश में है तो बीजेपी इससे सबसे पुरानी पार्टी से छीनने की फिराक में है। इस बार चुनाव में आम आदमी पार्टी सत्ता हथियाने का दावा कर रही है, वो भी इस इलाके में अपना वजूद तलाश रही है। नमस्कार, स्वागत है आपका गुजरात के रण में और मैं हूँ चंद्रशेखर त्रिशूल। इस समय हम मौजूद हैं पोरबंदर में और ये जो समंदर की अटखेलियाँ हैं ये राजनीति के मिजाज को रोज बदलती हैं, गढ़ती हैं, तय करती हैं। और सौराष्ट्र की 48 सीटें कहीं ना कहीं लगातार गुजरात की राजनीति की सत्ता को तय करने में बड़ी भूमिका निभाती है। अगर आप सौराष्ट्र की जमीनी पकड़ को देखेंगे और किसी राजनीतिक दल की बात करेंगे तो सबसे पहले नाम आएगा कांग्रेस का, लेकिन कांग्रेस का ये गढ़ धीरे धीरे इस कदर टूटता रहा कि 2022 तक तकरीबन 20 विधायक कांग्रेस के भाजपा और दूसरी पार्टियों में सम्मिलित हो गए। अब ऐसे में कांग्रेस के लिए बड़ी चुनौती ये कि कैसे सौराष्ट्र के लोगों को ये भरोसा दिलाया जाए कि आखिर सौराष्ट्र में कांग्रेस उनके लिए एक वजूद साबित होगी, एक एहसास साबित होगी और इसके इतर बीजेपी कहीं ना कहीं कॉरपोरेट बॉम्बिंग करके लगातार सीटों के आंकड़े को बढ़ाने के लिए जो प्रयास कर रही है और विपक्ष की चुनौतियों को लगातार खारिज कर रही है, यही कहीं ना कहीं विपक्ष के लिए बड़ा सवाल है कि इसकी चुनौतियां इस कदर खारिज हो रही हैं कि जनता का भी भरोसा कहीं ना कहीं डगमगा जाता है। और ये जो समंदर का शोर है, ये शोर सौराष्ट्र का शोर कहीं ना कहीं गुजरात की राजनीति को प्रभावित करता है। कच्छ की 6 सीटों और सौराष्ट्र की 48 सीटों पर अगर इस बार बीजेपी बाजी मारती है तो निश्चित रूप से कहीं ना कहीं अहमदाबाद और गुजरात की राजधानी तक, सत्ता के द्वार तक बीजेपी पहुंचेगी। और अगर सौराष्ट्र में कहीं ना कहीं कांग्रेस अपना दमखम दिखाने में साबित होती है तो निश्चित रूप से मानिए कि इस बार गुजरात में बीजेपी के लिए बड़ी चुनौती है। 27 साल के कब्जे को बीजेपी पूरी तरीके से मजबूत दावे के आधार पर जनता के बीच लेकर जा रही है। अब ऐसे में देखना होगा कि क्या वाकई में सौराष्ट्र कांग्रेस के हाथ से निकल रहा है या बीजेपी के हाथ में आ रहा है। कैमरा पर्सन करण के साथ मैं चंद्रशेखर, ANV न्यूज।